अंधेरा हो चुका था। मेरा जैसा कि आपने पीछे देखा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो आदि नहीं होते हैं हम लोग पहाड़ों में चलाने के, तो जो गलती मैंने की वो आप मत करिएगा। मैं इस गाड़ी का पीछा करते हुए चल रहा था जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए ये वहीं की गाड़ी थी, इनको पता है आगे क्या है, और इस जगह अगर मैं रुक ना जाता तो मेरा एक्सीडेंट धरा ही धरा था। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी गाड़ी चलाएं पहाड़ों पे कहीं भी तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीजें होती हैं, तो जो गलती मैंने की वो आप मत कीजिएगा। दूसरी बात कि एक गलती मुझसे और भी हुई है कि मुझे येलो लाइट का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था। येलो पन्नी मिल जाती है, ऐसा कई मैंने ट्रैवल वीडियोस में देखा लोग अपनी लाइट के आगे लगा लेते हैं। खैर जो चीज़ नहीं है उसका क्या मैं करूं। तो कहने का मतलब खूब अंधेरा छा चुका था और मेरी जर्नी अभी पूरी 3-4 घंटे की बाकी थी। सड़क आप देख रहे हो गड्ढे भी हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है मगर बहुत बुरी भी नहीं है, गाड़ी चल रही है। तो बस मैं चलता रहा और डर तो नेचुरली लग रहा था क्योंकि जब तक उजाला था तब तक कुछ सहारा था, मगर अब क्या, अब तो पूरा का पूरा अंधेरा है। चलिए हिम्मत तो करनी ही है। इक्का दुक्का कहीं दूर से एक लाइट दिख जाती थी तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता। ये कुछ बिल्कुल अजीब सा था कि एकदम से मेरी वीडियो रिकॉर्ड होनी बंद हो गई क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए। और चलिए कोई बात नहीं, सुबह का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। करीब मैं 12:30 के दिन में पोखरा लेक के आसपास बैठा रहा, फिर एकदम से जैसे मेरा वहाँ से मूड फिरा था वैसे ही मेरा मूड यहाँ से भी हुआ कि वापस चलते हैं। तो मैं करीब 12 बजे के आसपास वहाँ से चल दिया। आप देख सकते हैं कि पोखरा बहुत सुंदर है, रोड्स के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ हॉर्न बजाना मना है। बेवकूफ़ी से मैंने एक आध बार बजा दिया था तो मुझे रोक के किसी ने बताया कि सर यहाँ पे ये नो हॉर्न जोन है, अपने हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। ये मैं वापस हो लिया हूँ पोखरा से।
रात में जब मैं पोखरा पहुंचा था तो ये रास्ता आप लोग नहीं देख पाए थे। दिन भी है, धूप भी ठीक ठाक है, तो आनंद लीजिए इस रास्ते का। और आगे एक जगह पड़ेगी मुगलिंग, जब वो आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम बहुत करीब आ गए हैं उस जगह के जिस जगह को हम लोग मुगलिंग कहते हैं। मुगलिंग एक तिराहा है जो कि जहाँ से एक रास्ता, ये देखिए ये पुल आ गया है मुगलिंग का, ये बहुत पुराना पुल है। और ये जो आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देख रहे हैं ये नया पुल बन रहा है। जब ये बन जाएगा तो एक तरफ आने का एक तरफ जाने का हो जाएगा। तो ये मुगलिंग के बारे में आपको बता रहा था, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 90 किलोमीटर पोखरा और 110 किलोमीटर काठमांडू रह जाता है। तो काठमांडू तो मैंने कवर नहीं किया, फिर किसी वक्त मैं कवर कर लूँगा। तो अब हम इस जगह के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये एरिया थोड़ा सा, रोड जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो संभल के चलने वाला है। इस जगह से ये देखिए जो तीन खंबे लगे हुए हैं, इस जगह से ये मुड़ने का निकालेंगे इस पुल के ऊपर। और अब हम बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं मुगलिंग तिराहे के। यहाँ पे बहुत पहले उल्टे हाथ की तरफ देखिएगा एक शेड खाली पड़ा हुआ है, एक पुलिस चौकी हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब शायद वो नहीं है। ये तो है मगर अब यहाँ पर उस तरीके से मुस्तैदी नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने अपने
लॉ में थोड़ी सी लचीलापन लाए हैं ये लोग। हाँ, अब ये देखिए हम मुड़ जाएंगे सीधे आपकी तरफ और सीधे रोड अगर हम चले जाएंगे तो ये काठमांडू चली जाएगी। इस जगह पे अगर आपको काठमांडू जाना है तो लौटते वक्त आते वक्त जाना है तो सीधे आपको मुड़ जाइए, लौटते वक्त आना है तो बिल्कुल सीधे जाइए। आपको उल्टे हाथ पे जैसे मैं मुड़ रहा हूँ आपको मुड़ना नहीं है। ये मैं अब मुड़ गया हूँ नारायणगढ़ की तरफ। नारायणगढ़ से नारायणगढ़ के आगे पड़ेगा बुटवल। बुटवल के बाद से आप किसी भी बॉर्डर से निकल सकते हैं। बुटवल से सोनोली मुश्किल से 30 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, तो वो भी एक रास्ता और मैं उसी रास्ते से वापस आऊँगा। तो कुल मिला के ये मैंने आपको जानकारी दे दी है कि अगर आप इस रास्ते के थ्रू आ रहे हैं तो सीधा रास्ता जो जा रहा है वो काठमांडू का है और जो अगर हमको वापस इंडिया की तरफ आना है तो हमको उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। ये रास्ता पहले बहुत ख़राब हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा। अब ये 2 लेन का हो गया है और बहुत ही फास्ट है। ये स्ट्रेच मुगलिंग से लेकर नारायणगढ़ तक का 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर बहुत अच्छी रोड है और इसमें देख रहे हैं आप ये झटके जो लग रहे हैं ये 2-2 सेकंड के ऊपर जो कर्व है वहाँ के ऊपर इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए हुए। पूरे रास्ते आपको सीधे हाथ की तरफ त्रिशूली नदी रहेगी जो आपको अपने साथ रखेगी नारायणगढ़ तक। नारायणगढ़ से 110 किलोमीटर नहीं 115 किलोमीटर रह जाता है बुटवल, और बुटवल से सुनोली बॉर्डर है हमारा करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास, जहाँ से आप इंडिया बॉर्डर में प्रवेश कर सकते हैं। मैं आगे चल के सोचता हूँ मैं क्या प्लान करता हूँ। जगह पे बहुत साल पहले करीब 15 साल पहले मैं काइनेटिक होंडा से मैंने नेपाल का ट्रिप किया था। ये भी ऐसा मतलब मोबाइल कैमरे और ये एक्शन कैमरे नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा ट्रैफिक भी सड़कों